देहात थाना अंतर्गत आने वाली सागरनाका चौकी के अंतर्गत प्रिंस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लाखों रुपए की चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। ओवरब्रिज के आगे प्रिंस रिकॉर्डिंग स्टूडियो का संचालन प्रदीप कुशवाहा करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, गीतों का वहां पर रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जब सुबह उनके परिचित वहां से निकले तो उनको जानकारी लगी कि यहां के ताले टूटे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मामले में कार्रवाई शुरू की है। मालूम हो कि यहां पर लाखों रुपए का रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्थापित था, जहां पर चोरों के द्वारा सेंध लगाते हुए सब कुछ चोरी कर लिया गया, यहां पर कुछ भी नहीं बचा। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। कंप्यूटर गया हुआ है, साउंड कार्ड गया हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटर था वो गया है, एक मॉनिटर गया हुआ है, TFT गई है, LCD मिक्सिंग के और पार्ट्स थे जो कंप्यूटर, जो ऑडियो मिक्सिंग वीडियो मिक्सिंग में ज़रूरत पड़ती है वो सब लगभग कंप्यूटर में लगे हुए, वो सब चले गए। कितने का सामान गया? करीब 3 लाख के आसपास का है। क्या घटना थी? रात में मैं 1 बजे तक यहाँ मिक्सिंग करता रहा, 12:30 बजे तक, उसके बाद मैं घर चला गया, और जब सुबह भतीजा ड्यूटी से लौटा, संजीवनी में बैठता है, तो उसने बताया कि मौसिया जी इधर आइए, थोड़ा सा यह ताले टूटे हुए। तो मैं जैसे ही आया तो पूरे अंदर तक देखा तो कुछ नहीं था, सब टूटा हुआ है, फैला हुआ है सामान, और सब कुछ नहीं बचा उसमें। क्या लग रहा है किसने किया? अब इसमें तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि किसने किया है। हाँ, पुलिस को सूचना दी है, पुलिस आई हुई है, जाँच कर रही है। क्या नाम लेते हैं? प्रदीप पटेल। ये मांगंज वार्ड नंबर 4 लगता है यहाँ पे, और बाईपास रोड है, और लगभग ये सबसे बड़ा ब्रिज का ये है, लाइट नहीं है तो यहाँ सबसे पूरे आपराधिक तत्व दमोह शहर के पूरे जितने भी आते हैं वो ब्रिज पे आते हैं, रात के 1-1 बजे तक दारूखोरी करते हैं। यहाँ ज्ञापन भी दिया हुआ है ब्रिज के यहाँ जो आपराधिक तत्व, करीब जब से लाइट गुल हुई है ब्रिज की या जब से बना हुआ है, टोटल दमोह शहर के जितने भी आपराधिक तत्व हैं, शराबखोरी वाले सब यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग लड़के लड़कियों को लेके आते हैं, मना करो तो लौट के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रशासन से प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, प्रशासन से जब भी शिकायत की है, लगभग 2 वर्षों से शिकायत कर रहे हैं, माननीय SP साहब से भी शिकायत की, कलेक्टर महोदय से भी की है, लेकिन अभी तक कोई उस पर वो नहीं हुआ है। कल आपने शिकायत की थी, इसलिए चोरी हो गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। सुबह आया तो मैंने गेट खोला है, ये वाला ताला था और ये वाला खोला, मैंने सोचा मौसिया जी अंदर हैं, तो मैंने उनको आवाज़ लगाई तो उन्हें आवाज़ नहीं दी, तो थोड़ी देर में मैं अंदर गया तो देखा सब कुछ ऐसे ही फैला रहा था, कुछ नहीं था वहाँ पे, सब कुछ ले गए थे, मतलब वो है ना। क्या क्या ले गए? उसमें स्टूडियो का पूरा सामान है, और एक गैस टंकी है, और मॉनिटर वगैरह जो भी, और कैश भी ले गए हैं 14,000 रुपये। कहाँ से ले गए? यहाँ अंदर से। किस रास्ते से आए हैं? आने का तो पता नहीं, मगर जाने यहाँ से निकले हैं वो, वहाँ से उनके पैर के निशान बने हैं। क्या नाम लिखते हैं? प्रकाश पटेल।